मंगलवार को सीटू के बैनर तले रेडी फड़ी यूनियन ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू किए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू किए जाने की मांग की। मंडी नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में रेड़ी फड़ी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते मंगलवार को सीटू के बैनर तले रेड़ी फड़ी यूनियन ने मंडी शहर भर में उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर रैली के माध्यम से अपना रोष व्यक्त किया। मंडी रेहड़ी फड़ी यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में ये रैली निकाली गई है और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू किए जाने की मांग की और इस संदर्भ में रेहड़ी फड़ी यूनियन के सदस्यों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। लगातार आज तक जो रेहड़ी फड़ी वालों के साथ जो अन्याय चल रहा है, हम उसके खिलाफ 3 मांग पत्र और एक धरने के रूप में भी जिला प्रशासन को बता दिया था कि ये जो मतलब रेहड़ी फड़ी वालों को अन्य जोन से जो हटाया जा रहा है उसका कड़ा विरोध करती है। और जो एक्ट का मानना है कि पूरे शहर के अंदर कितनी रेड़ियाँ लगनी है और किस रूप में कौन कौन से जोन है वो तय किए जाते हैं उस पर, लेकिन यहाँ होता क्या है कि जो बिना टाउन बैंडी कमेटी से ही वो जो पोस्ट ऑफिस रोड और SBI का जो बैंक था उसको भी उसी रूप से खाली कर दिया गया है। तो आज हमने ये धरना जो है सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक रखा है। अगर हमारी बातों को प्रशासन नहीं मानेगा तो फिर हम अगला धरना भी इसी रूप में करेंगे, जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा। और एक्ट के अनुसार जो भी हमारी मांगे थी उनको अगर नहीं माना गया तो हमारा जो आंदोलन है उग्र रहेगा और हमारी जो रेडी फड़ी है वो लगातार बंद रहेगी। जब तक हमारा जो किसी भी रूप से कोई हल नहीं निकलेगा तब तक हमारी रेडी फड़ी जो है लगातार बंद रहेगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार द्वारा कोटली में डिग्री कॉलेज की अधिसूचना जारी होने के बाद अब कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है। ये प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ये जानकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने दी। प्रदेश सरकार द्वारा कोटली में डिग्री कॉलेज की अधिसूचना जारी होने के बाद कॉलेज प्रिंसिपल का अतिरिक्त कार्यभार वल्लभ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी को सौंपा गया है। डॉक्टर अशोक अवस्थी ने बताया कि कॉलेज के 3 स्टाफ मेंबर्स को कोटली कॉलेज में डिप्यूट किया गया है और कोटली कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। सरकार के आदेश अनुसार 22 तारीख को इस महाविद्यालय के को ये आदेश प्राप्त हुए कि उन आदेशानुसार मुझे ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और मुझे सरकार की तरफ से आदेश मिले थे कि 23 तारीख से एडमिशन का प्रोसेस वहाँ शुरू किया जाए और उन आदेशानुसार मैंने वो वहाँ प्रोसेस शुरू किया और इस महाविद्यालय से हमने वहाँ पर 3 स्टाफ मेंबर जो हैं डिप्यूट किए हुए हैं और वहाँ पर ये सारा वहाँ पर फर्स्ट ईयर में आर्ट्स और कॉमर्स में ही एडमिशन होगी और ये सारा प्रोसेस जो है वहाँ पर भी सुचारू रूप से चला हुआ है। और 30 तक जो है चाहे वो मंडी कॉलेज है चाहे वो कोटली कॉलेज है ये हमें सारा प्रोसेस जो है प्रक्रिया एडमिशन की जो है वो पूरी करनी है। सर वहाँ पे व्यवस्था क्या की गई है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, फिलहाल जो है वहाँ पर हमने जो वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहीं पर ही एक नया जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली है वो शुरू किया हुआ है। उसके लिए जो है हमें स्कूल प्रबंधन के द्वारा 3 कमरे प्रोवाइड किए गए हैं और उन्होंने हमें एश्योर किया गया है कि आने वाले समय में भी जो भी उनको इस महाविद्यालय को चलाने के लिए नए महाविद्यालय को चलाने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो उनकी तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा कोटली में डिग्री कॉलेज की अधिसूचना जारी होने के बाद अब कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है और ये प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ये जानकारी प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी ने दी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।